तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए खोया बनाने की रेसिपी, और काफी आसान है और आप इसे पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अभी मैं 2 लीटर दूध से खोया बनाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले गैस ऑन किया और उसमें मोटे तले की एक कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें दूध छानकर डाल दिया है और दूध को गर्म होने दीजिए। धीरे धीरे दूध गर्म हो जाएगा, उबाल भी आने लगेगा और आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए ताकि ये उबल के नीचे न गिरे। और आपको ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पर, आप ऐसे ही इसे छोड़ भी सकते हैं, आराम से ये उबलता रहेगा नीचे से। बस पकड़ना इस बात का ध्यान रखना और किनारे किनारे से जो खुशनी धीरे धीरे बनती है मलाई की उसे आपको छुड़ाते रहना साथ में, और बीच में भी ऐसे चला दीजिए, फिर थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और जब दूध की कंसिस्टेंसी ऐसी कुछ हो जाए तब आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं नीचे से। और ऐसे ही हम चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। और हमने रखा है अभी हाई फ्लेम, पूरा हमने शुरुआत से लेकर अभी तक हाई फ्लेम ही रखा है और ये आराम से पकने लगा है, आप देख सकते हैं। और इस खोए का यूज आप गाजर का हलवा बनाने में कर सकते हैं। मैंने तो अभी इसका गाजर का हलवा बनाया था इस खोए से। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने खोया बनाने से लेकर पूरा गाजर का हलवा बनाने तक पूरी वीडियो शेयर की है और काफी अच्छा हलवा बना था, तो आप उस रेसिपी को देख सकते हैं। और अभी देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है, और दूध की कंसिस्टेंसी ऐसी होने पर आप इसमें चीनी ऐड करके खोए वाले पेड़ा भी बना सकते हैं। और साथ ही इसका प्रयोग आप खोए का बहुत चीजों में कर सकते हैं, रसगुल्ला बनाने में, और भी सारी मिठाइयाँ बनती है जैसे होली में हम लोग के यहाँ गुजिया बनती है, और भी ऐसी अन्य रेसिपी आप इससे ट्राई कर सकते हैं। तो फिर अभी देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है, और अब आज थोड़ा सा धीमे मैंने मीडियम कर दिया है, और इसी पर हम ऐसे ही लगातार पकाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा ये गीला भी है, और अभी मैं इसे गाढ़ा करते करते कुछ इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो चुकी है, आप देख सकते हैं और भी ये थिक होने लगा है। और ऐसे ही हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये पूरा अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मतलब ये जब गाढ़ा होगा ना तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये गाढ़ा हो चुका है इतना कि हम इसे निकाल लें, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये और टाइट हो जाता है। तो इसलिए बस जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगी तो फिर बस उसी टाइम पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो आप इस रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए। और घर पर खोया बनाने से सबसे अच्छा फायदा ये जाता है कि आपको मार्केट का खोया नहीं खाना पड़ता, क्योंकि मुझे वो उतना टेस्टी नहीं लगता है, और इसमें काफी स्वाद भी होता है, क्योंकि जितना दूध अच्छा होगा उतना ही खोया भी अच्छा होगा। और हमारे यहाँ जब भी कोई मिठाई ऐसे दूध से रिलेटेड बनती है, जैसे गुजिया में बनाना होता है, गाजर का हलवा बनाना होता है, तो हम हमेशा दूध ऐसे लेकर आते हैं, खुद ही तैयार करते हैं खोए, और इससे काफी टेस्टी भी बनता है चीजें। और आप देख सकते हैं ये अभी धीरे धीरे से गाढ़ा हो चुका है और हल्का सा नीचे पकड़ने भी लगा है, तो मैं आज थोड़ा इसे कम कर दूंगी ताकि ये जले नहीं, और फिर ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं काफी थिक हो चुका है, और अभी धीरे धीरे करके ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगेगा, वैसे ही हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में। अभी आप देख सकते हैं मैंने आज और धीमा कर दिया है, और अब ये धीरे धीरे बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए आप कितना थिक हो चुका है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे खोए को और सुखाना, क्योंकि मुझे गाजर के हलवे में डालना था, तो मैंने इसे मतलब जब तक तले इसकी छोड़ेगी नहीं ना तब तक मैं इसे चलाते रहूंगी, और ये धीरे धीरे बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये और थिक हो चुका है, और ऐसे ही हम इसे थोड़ा सा और चलाएंगे, बस ये रेडी हो जाएगा। तो आप पूरी रेसिपी बिना स्किप किए देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और ये देखिए पूरा बन के अब रेडी हो चुका है, किस तरह आप देख सकते हैं छोड़ रहा है ये कढ़ाई को। तो वैसे ही इसे हम इकट्ठा कर लेंगे, और ये 2 लीटर के दूध में अभी इतना निकल कर आया है खोया, आप देख सकते हैं, और इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी और खोया बनके रेडी हो जाएगा। और तो आपको मावा या खोया बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।